नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश मिश्रा और द पावर ऑफ कैंगन वाटर चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कैंगन वाटर मशीन के बारे में या उसके पानी के बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कैंगन वाटर के बिज़नेस के बारे में। जी हाँ, इनैजिक का जो कैंगन वाटर बिज़नेस है वो एक डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग बिज़नेस मॉडल पर आधारित है और इसी की वजह से भारत में बहुत सारे लोगों को सिर्फ उसके बिज़नेस को बेचा जाता है। सिर्फ बिज़नेस के बारे में बताया जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते। मतलब थोड़ा बहुत बता देंगे प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन उनको मोस्ट ऑफ जितने भी हैं उनको उसका बिज़नेस बेचा जाता है। देखो, उन्होंने वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, उन्होंने आज मर्सिडीज़ खरीद ली, एमएल क्लास ले लिया, बीएमडब्ल्यू ले ली, ऑडी ले ली, तो ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और ये सारा चीज़ शो ऑफ की जाती है। और ये भारत के किस पार्ट में हो रहा है वो भी आपको पता है, मोस्टली सूरत, गुजरात, रायपुर, छत्तीसगढ़। यहाँ पर प्रोडक्ट की मेरिट्स के ऊपर बात नहीं की जाती, प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस दिखाया जाता है। एक फ्लैशी लाइफ दिखाई जाती है कि आप सिक्स से बनते ही आपकी जीवन भर इनकम आपके आना स्टार्ट हो जाएगी और लाइफ टाइम आप पैसा कमाते रहेंगे। उन्हीं सब जो डीपेस्ट सीक्रेट्स हैं उनको मैं अनवील करना चाहता हूं इस वीडियो में, ताकि कैंगन वाटर के बिज़नेस को ज्वाइन करने से पहले आप एक सही डिसीजन ले पाएँ और आपको वो सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए, जिससे आप अपना अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मशीन लेके, अगर बिज़नेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो सिक्स रैंक को सेल किया जाता है, कि सिक्स रैंक मतलब 100 मशीनें आपने सेल करी और लाइफ टाइम आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिक्स रैंक पे कोई लाइफ टाइम इनकम या कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं होता। तो लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं कि सिर्फ बिजनेस हम मतलब ज्वाइन करेंगे, सिक्स बन जाएंगे, लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा, आराम करेंगे। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इस बात को आप समझ लें। पैसिव इनकम का जो सोर्स है इसमें 6-2-3 पे है, जो कि काफ़ी ऊंची रैंक है और उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टीम बिल्डिंग की ज़रूरत है और मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, मैं उस पर नहीं जाता। बट सिक्स में बन जाने पे आपको लाइफ टाइम इनकम आएगी, ऐसा नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब बिजनेस ज्वाइन करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपका जो अपलाइन है, मतलब आपका जो स्पॉन्सर है, उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है या नहीं है, वो प्रोडक्ट को अच्छे से जानता है, समझता है, या कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। क्योंकि जनरली होता क्या है कि आप कैंगन वाटर का बिज़नेस ज्वाइन करेंगे किसके भरोसे, अपने अपलाइन के भरोसे। लेकिन जो आपका अपलाइन है या आपका जो स्पॉन्सर है, वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कि जिसने आपको बोला हो कि यार चल ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अपन ज्वाइन कर लेते हैं और पैसा लगा देते हैं, 3 लाख रुपए तू लगा दे, 3 लाख रुपए मैं लगा देता हूँ, मशीन खरीद लेते हैं 2 और बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, इस बिज़नेस का आधार सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, कि आपने पैसा लगा के मशीन खरीदी और आप अपना बिज़नेस करना स्टार्ट कर देंगे और उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। 100 लोग स्टार्ट करते हैं, 95% लोग फेल हो जाते हैं, ये भी एक डेटा है। सिर्फ 5% लोग ही हैं जो इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं, बाकी जो 95% लोग हैं वो काम करेंगे, करते रहेंगे, फॉलोअप्स करते रहेंगे, धीरे 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 ग्रेजुअली वो इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके फॉलोअप्स कंप्लीट नहीं होते, मतलब उनके क्लाइंट्स कन्वर्ट नहीं होते। तो सबसे पहली चीज़, सिक्से में पैसिव इनकम नहीं मिलता। दूसरा, स्पॉन्सर आपका जो है, आप उसके भरोसे बिज़नेस चालू मत करिए कि मेरा जो स्पॉन्सर है यही मेरे सारे डेमो कर देंगे और यही आगे चल के क्लाइंट्स को बता देंगे और मेरा बिज़नेस चल जाएगा, तो मेरा बिज़नेस ये चलाएंगे, ये आप मत सोचिए। आपका बिज़नेस है, आपको खुद ही इसको चलाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपके जो अपलाइन है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि वो आपको वो सारे टूल्स दें, वो सारी इंफॉर्मेशन दें, वो सारी चीज़ें आपको बताएं जो ज़रूरी हैं इस बिज़नेस को चलाने के लिए। तो मेक श्योर कि आप जिस भी अपलाइन का चयन कर रहे हैं, जिसके अंडर में भी आप जुड़ रहे हैं, उनको खुद को प्रोडक्ट की डीपर डाउन नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली रेवेन्यू, किसी भी बिज़नेस में रेवेन्यू ड्राइव कहाँ से होता है? रेवेन्यू ड्राइव होता है कस्टमर्स से। वन हैप्पी कस्टमर कैन ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पी कस्टमर्स। तो कस्टमर को अगर आपको सेटिस्फाई करना है तो आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, बिजनेस नहीं बेचना। जनरली लोग बिजनेस बेचने जाते हैं कि आप मशीन खरीद लो, मशीन तो अच्छी है, आप पानी पियोगे, आप स्वस्थ हो जाओगे और आगे आप रेफर देते रहना, आपको उसका पैसा मिलता रहेगा, आपकी मशीन फ्री हो जाएगी, या मतलब इस तरीके की कहानियां हैं। तो इस तरीके की कहानियों में आप मत फंसिए। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस को बिजनेस की तरह करिए, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी लीजिए। आप जिस भी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, जिस भी अपलाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर कि उनके पास वो सारी इंफॉर्मेशन हो कि कैंगन वाटर क्या है, कैसे काम करता है, टेक्नोलॉजी क्या है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, और क्या हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो ये आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। ये एक कड़वा सच है, आप स्टार्ट करके देख लीजिए, आप फेल हो जाएंगे। और फिर बाद में क्या होगा, मेरे पास यूट्यूब चैनल है मेरा, मेरे पास बहुत सारे कॉल जैसे आते हैं कि मेरे किसी फ्रेंड के कहने पे मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरी मशीन अभी तक पैक्ड पड़ी है और मैं उसको बेचना चाहता हूँ, मशीन को, पैक्ड मशीन को मैंने यूज़ ही नहीं किया क्योंकि मेरे को इंस्टॉलेशन कराने वाला कोई नहीं आया, मेरे पास में सिर्फ बिजनेस के बारे में बताया गया, मैंने मशीन खरीद ली और आगे कुछ नहीं हुआ। तो ये फिर क्या, अगर इस तरीके के लोग आके जुड़ने लगे और इस तरीके की चीज़ें होने लगी तो ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, नंबर वन प्रोडक्ट है। इसको लेकर नेगेटिविटी बहुत फैल जाएगी मार्केट में क्योंकि सिर्फ बिजनेस बेचा जा रहा है भारत में कि आप बिजनेस करो। अब बिजनेस करने के लिए बिजनेस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, सेंस होना चाहिए, पिच कैसे करना है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देना है, हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है लेकिन बिना नॉलेज के वो बेहतरीन प्रोडक्ट भी कुछ नहीं कर सकता। मेक श्योर ऐसी टीम के साथ जुड़े जिनको अच्छी नॉलेज है, जिनके जो लीडर्स हैं उनसे आप कुछ भी सवाल पूछ ले और उनके पास उस चीज का जवाब है। कुछ लीडर्स सिर्फ मोटिवेशन 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 करके बड़े बड़े सेमिनार्स लेंगे और सिर्फ मोटिवेशन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, सिर्फ मोटिवेशन का इंजेक्शन लगा के, मर्सिडीज दिखा के, ऑडी दिखा के, सिर्फ ये दिखा के बेचा जा रहा है। और बेचा क्या जा रहा है, उनको सिखाया क्या जा रहा है, तुम भी नीचे जाओ, बिजनेस करने वालों को पकड़ के लेकर आओ। तो असल में एक पूरा सिस्टम है, उसमें रेवेन्यू कहां से ड्राइव हो रहा है, बिजनेस करने वाले लोग ही जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो बिजनेस करने वाले लोग इतने ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है सप्लाई हो गई है हाई, कस्टमर्स वहां है नहीं, कस्टमर्स को आप सिर्फ फॉलोअप ही करते रह जाते हैं, कस्टमर्स के क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं कर पाते हैं। तो बिजनेस ओनर्स बहुत सारे जुड़ गए तो मतलब सप्लाई बहुत बढ़ा दी, डिमांड बिल्कुल नहीं है। अब डिमांड नहीं है तो एक आधी जो डिमांड आती है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग डिस्काउंट्स देना स्टार्ट कर दिया है। मैं उन सारे डिस्ट्रीब्यूटर से भी कहना चाहता हूं कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा बिजनेस है, इतनी अच्छी कंपनी है, आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। कोई भी नया बंदा आके बिजनेस में जुड़ा है अगर, तो वो कैसे बिजनेस कर पाएगा जब तक आपने उसको नॉलेज ही नहीं दी है, आपने उसको समझाया ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, उसको सिर्फ ये बता के छोड़ दिया मार्केट में कि जाओ तुम भी जाओ बिजनेस बेचो। उनसे पूछ लो कैंगन वाटर है क्या भैया, प्रॉपर्टीज क्या है, नहीं पता, सिट्टी पिट्टी गुम, खत्म। ये आप लोग अपनी कब्र खोद रहे हैं, इस तरीके से बिजनेस को लॉन्ग लास्टिंग ले जाया ही नहीं जा सकता। एनर्जिक ने अपनी कंप्लायंस टीम बना रखी है, बैठा रखे है कि हम लोग उनको ट्रैक करेंगे, जो लोग डिस्काउंट्स दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, हम उनकी आईडी सस्पेंड करेंगे। पर भारत जैसा बड़ा देश है, वो भी कब तक, कहां तक क्या कर पाएंगे?
तो एथिक्स का उल्लंघन हो रहा है। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मशीनें बिक रही हैं। मतलब मैं ये वीडियो को आप सोच रहे होंगे मैं इसलिए बना रहा हूं कि मुझे प्रॉब्लम आ रही होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि मैं डायरेक्ट डीलिंग करता हूं एंड कस्टमर्स में। मोस्टली मैं एंड कस्टमर्स, मेरा फोकस होता है कस्टमर्स, कस्टमर्स के घर मशीन लगना, उनको एक अच्छी सर्विस देना, और जो जो उन्होंने पैसा खर्च किया है उस पैसे की उनको वैल्यू देना। उन्होंने पैसा अगर लगाया है तो उनके घर में उनको हेल्थ का बेनिफिट मिलना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस तरीके से काम करता हूँ, मेरा ये काम करने का तरीका है। मेरी टीम में अगर जितने भी लोग हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। कस्टमर सेंट्रिक होके करिए, सर्विसेज पे ध्यान दीजिए। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको इसका सर्विस पार्ट भी देखना पड़ेगा, आपको सर्विसेज भी देनी पड़ेगी, इंस्टॉलेशन भी करवाना पड़ेगा, आपको उनको जाके समझाना भी पड़ेगा, पानी कैसे पीना है, क्या करना है, सारी चीजें बतानी भी पड़ेंगी। तो कस्टमर सेंट्रिक होके कस्टमर्स पे फोकस किया जाए, और फिर अगर बिजनेस को किया जाए तो ये अच्छा बिजनेस है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, क्योंकि प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। प्रोडक्ट एक नंबर सॉलिड प्रोडक्ट है, 100% लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं, कितना फायदा होता है हेल्थ में। और हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए भी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, तो इससे अच्छा काम कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, एथिक्स हैं, नॉलेज है, आपको लेनी पड़ेगी। तो मेक श्योर आपका जो अपलाइन है उसको नॉलेज हो अच्छी, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर दे, आपको चीजों को समझाए, ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग में पूरा डिटेल नॉलेज दी जाए, और आप खुद भी भागीदार बनिए सीखने के लिए। मतलब खुद से लर्न करने सीखना पड़ेगा, वरना क्या होता है कि कॉम्पिटिटर्स जितने भी हैं ना कैंगन वाटर के, उनका धंधा सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग कैंगन वाटर सर्च कर रहे हैं, अदरवाइज उनका कोई मार्केटिंग मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं है उनका। गूगल पे एड्स लगा रखे हैं कीवर्ड्स के ऊपर कि कोई क्योंकि क्या होगा, जनरली कस्टमर करता क्या है, हम लोग कैंगन वाटर का डेमो देखेंगे, अमेज्ड हो जाएंगे, वाओ ये तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, गजब मस्त डेमो दिखाया एकदम। फिर क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, कैंगन वाटर। तो कैंगन वाटर पे क्या कर रखा है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब कॉम्पिटिटर्स नहीं है, वो बेसिकली जो नकली मशीनें, लोकल मशीनें बेच रहे हैं, वो उन्होंने अपना कैंगन वाटर कीवर्ड के ऊपर एड लगा रखा है। एड ऊपर आ जाएगा, लोग क्लिक करेंगे, हाँ भैया कैंगन वाटर, हाँ भाई कैंगन वाटर ही है, कौन सी कंपनी है, फलाना कंपनी है, एनसन है, हाइंट है, फाइंट है, इस टाइप की कंपनी है, हाईवे के है, खेवाई के है, जो भी है, तो हाँ है, सेम है, हमारे पास सेम कंपनी है, सेम प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, हाँ दिखा देते हैं, और हम तो आपको सस्ते में दे देंगे। वो तो क्या एमएलएम से चल रहा है, वो तो एमएलएम है, इस वजह से महंगा है, हम तो आपको 1 लाख सस्ते में दे देंगे वो चीज़, आप हमसे ले लो। तो वो अपनी नकली मशीनें चिपका जाते हैं, तो उनका धंधा ही चल रहा है कैंगन वाटर के नाम के ऊपर में, जो कि पेटेंटेड है नैजिक का। तो आप अपने क्लाइंट को अगर ये नहीं बता पाते कि कैंगन वाटर इनैजिक का जो ओरिजिनल है उसमें, और जो फालतू की जो लोकल कंपनीज मार्केट में उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपकी मशीन कहाँ से बिकेगी। कस्टमर एक्सपेक्टेशन करता है कि मेरे को तो कैंगन वाटर मिलेगा पीने के लिए, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी है सब कुछ, उसने डेमो देखा है कैंगन वाटर का और परचेज कोई और कर लेता है। मतलब ये सेम चीज ऐसी है कि उसने डेमो देखा है रॉल्स रॉयस का, उसकी उसका इंजन देखा है, उसकी परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन उसको गुमराह कर दिया जाता है कि इसमें भी सेम 4 टायर हैं, ये भी स्टेयरिंग है, इसमें भी पेट्रोल डलता है, ये भी चलती है, और उनको नैनो बेच दी जाती है लेकिन सस्ती है। तो कस्टमर कार में तो ये चीज समझ जाएगा लेकिन पानी में नहीं समझेगा, पानी में उसको जब तक डिटेल में नहीं समझाया जाएगा तब तक नहीं समझेगा। तो उसको समझाना जरूरी है, और समझाने के लिए नॉलेज जरूरी है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कैंगन वाटर के बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मेक श्योर कि 6 ईयर के बाद कोई पैसिव इनकम नहीं आती, पहली चीज। जिस भी टीम के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी आपका अपलाइन है, आप उनको पहले अच्छे से जज कर लीजिए कि इसको नॉलेज है या नहीं है, पूरी अच्छे से चीजें पता है या नहीं है, क्योंकि वो अगर अच्छी नॉलेज वाला नहीं होगा आपका स्पॉन्सर, तो वो आपको नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तो आप और नीचे नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर पाओगे,
और ये इफेक्टिव डुप्लीकेशन का ही इसमें मेन रूल होता है। तो आपका जो स्पॉन्सर है उसको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसको सारी सारे उसके पास टूल्स होने चाहिए, आपको अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छे से समझाएं, आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज दें, और कस्टमर सेंट्रिक होके बिजनेस किया जाए, डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ से बिजनेस बेच बेच के सप्लाई इंक्रीज कर दी गई है, क्योंकि बिजनेस बेचने वाले बहुत लोग हो गए हैं, कस्टमर्स नहीं है। तो यही इस वीडियो का मेरा उद्देश्य था। मेरी किसी बात का अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, पर मैं इन सारे जो जो हिडन सीक्रेट्स हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो अपना कहीं से लोन पे पैसा लेकर आते हैं या कहीं से लेकर आते हैं और बिजनेस ज्वाइन करते हैं कि मैं भी तुरंत करोड़पति बन जाऊंगा 100 मशीनें बेचते ही। तो ये उन लोगों के लिए है कि ऐसा नहीं होता, इस बिजनेस में नहीं होता ऐसा, ये बहुत मेहनत वाला बिजनेस है, काम करना पड़ेगा, फॉलोअप्स करने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा लोगों को, और अगर आप उस काबिल हैं, केपेबल हैं तो आप इस बिजनेस को ज्वाइन करिए, और नहीं केपेबल हैं तो आप ऐसे पर्सन के साथ ज्वाइन करिए जिसको सारी नॉलेज है, जो आपको नॉलेज दे पाए। स्लो आप मूव करते रहें, स्लो आप पैसा कमाते रहें, लेकिन कमाते रहें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि एक ही बार में हम 6 महीने में ही पूरा 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे, उसके बाद हम जीवन भर कमाएंगे, ये वाला नहीं। ग्रेजुअली हम लोग कमाते रहे कमाते रहे कमाते रहे, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होते रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।